गरीब बास्केट में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब करिए और फिर बेल आइकन दबाइए मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपसे बहुत सिंपल, क्विक, टेस्टी और यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ डुक्की। तो चलिए देखते हैं डुक्की कैसी बनाई जाती है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। डुक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बारीक कटी आधा प्याज, चिली गार्लिक जिंजर पेस्ट आधा छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच, नमक करी में डालने के लिए और दाल फेंटने के लिए स्वाद अनुसार, 4 से 5 कटे हुए टमाटर, आप चाहें तो इसे बारीक भी काट सकते हैं, 1/4 कप उड़द की दाल 4 से 5 घंटे तक भिगोए हुए, 3 चम्मच तेल और पानी आवश्यकता अनुसार, आप चाहें तो इसके जगह में राइस स्टॉक भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब चलिए हम डुक्की करी बना लेते हैं। डुक्की करी बनाने के लिए सबसे पहले हम उड़द की दाल को पीस लेंगे। उसके लिए हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें उड़द की दाल डाल देंगे और 2 चम्मच पानी डाल करके हम इसे पीस लेंगे। उड़द की दाल को मैंने पीस लिया है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे, ऐसे बर्तन जिसमें हम इसे आसानी से फेंट सकें। अब हम उड़द की दाल को अच्छी तरह से हाथ से फेंट लेंगे। उड़द की दाल को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसे चेक करेंगे कि उड़द की दाल तैयार हुई या नहीं। उसके लिए हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा उड़द की दाल को डालेंगे। देखिए, उड़द की दाल ऊपर तैरने लगी है, इसका मतलब उड़द की दाल तैयार हो चुकी है। उड़द की दाल तैयार हो चुकी है तो अब हम डुक्की को तड़का लगा लेते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे, चूल्हे पे चढ़ा देंगे कढ़ाई। अब हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट। प्याज हमारा लगभग भून चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। हल्दी डालने के बाद हम मसाले को 5 सेकंड तक भून लेंगे और फिर टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसे हम ढक करके पका लेंगे जब तक टमाटर गल नहीं जाते हैं और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे।
टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब पानी की जगह हमें राइस स्टॉक भी डाल सकते हैं, राइस स्टॉक डालने से इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। राइस स्टॉक या पानी डालने के बाद अब हम इसे ढक करके पकने देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर। करी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, अब हम हाथ को सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेंगे। पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको हाथ साबुन से नहीं धोना है। अब हम हाथ को गीला करते जाएंगे और थोड़ा सा दाल उठा करके करी में डालते जाएंगे। एक दाल के गोले का साइज एक टॉफी के साइज का होना चाहिए, बहुत बड़ा साइज हमें नहीं चाहिए वरना पकेंगे नहीं डुबकी। इसी तरह हम सारे दाल को डुबकी लगवा लेंगे। मैंने सारे दाल को करी में डाल दिया है, अब हम इसे ढक करके 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। डुबकी करी को मैंने 10 मिनट तक पका लिया है। करी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, मतलब हमारी डुबकी करी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। बहुत अच्छी डुबकी करी बन करके तैयार हुई है। डुबकी करी को चावल के साथ खाया जाता है। आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।